ते शरदचंद त्रिपाठी को ईश्वर वो मार दिया है, उन्होंने होमगार्ड को होमगार्ड नहीं कीड़ा मकोड़ा समझा जब तक, और आज वो सोच रहे हैं कि आज मेरे किए हुए के ईश्वर मुझे कौन ये दंड बढ़ा दिया है। आज वो पड़े हैं, आज ना वो अपने हाथ खा सकते हैं, ना फ्रेश हो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना कपड़ा पहन सकते हैं, और ना सही जबान से आवाज़ निकलती, ना सही हाथ पैर काम कर रहे हैं। वहाँ दूसरे नहलाते हैं धुलाते हैं, महिमा मुख में खाना भोजन देते हैं, और उसके बाद कपड़ा पहनाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, फिर हाथ फिसलाते हैं, फिर उठ कुर्सी धोखा जैसे बैठा दे, फिर उठा डाल लिया कुर्सी गाड़ी में, फिर घर पे उठा चारपाई पर डाल दिया। अब आज मौत मांगते हैं और आज ईश्वर उनको मौत नहीं दे रहे, ना उनको जीने दे रहा है ईश्वर, ना उनको मरने दे। यही गत एक DIG और थे, उनका हुआ जो उनका बच्चा भी एक्सपायर कर गया, अत्याचार बढ़ाया, अकेला ही था, बीबी भी एक्सपायर कर गई, और आखिरी में 4-5 महीने SUM पड़े रहे और जिंदगी मौत को सामने देखते रहे, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, आखिरी में वो पोलिथीन में सड़ गए, कीड़े पड़ गए। इससे बड़े और ईश्वर क्या मार देगा। आरबी सिंह को देख लो, खूब अत्याचार किया होमगार्ड के साथ, उनके भविष्य साथ खिलवाड़ किया। मायावती जी जब होमगार्डों के लिए कहा तो ये बहुत रोड़ा, लेकिन वहाँ वो टाइट होके मंगा लिया, फिर भी वहीं के अधिकारी उसे बनाए जा रहे हैं, उनको अटका दिया। अधिकारी जाएगा तो होमगार्ड के पद पर क्या उनको मिल रहा था। अरे ऐसे बना दे तो तुम्हारा मान और सम्मान, आज होमगार्ड अगर परमानेंट हो जाए, तुम्हारी जो पुलिस तुम्हें सलाम नहीं मारती है, तुम्हें कुर्सी नहीं देती है, जो अपने अपने परिवार की इज्जत नहीं करे, वो दूसरे घर में इज्जत पाने का हकदार नहीं, यही पुलिस उनको इज्जत नहीं देती, जो लायक है वही ठीक है, सर माननी चाहिए। ऐसे ऐसे अधिकारी जाते हैं जिनको मुंशी कुर्सी नहीं देता है थाने, यही कारण है इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है पुलिस से बात करने की, क्योंकि चोर हैं, डकैत हैं, तो इनका कौन तहसील देगा, कौन कुर्सी देगा, कौन स्थान देगा। ये अपने हाथ अपने पैसे के आगे ये क्या कितना गिरा दें अपनी वर्दी को, कितना इस ताज को झुका दें, कितना कीचड़ वर्दी पर उछाल दें। इनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ये कुंभकर्ण हो गया पेट इनका, महाकुंभकर्ण का। तो उनका जब महाकुंभकर्ण हुए, महारावण हुए, कंसा हुए, दुशासन हुए, इनका एकदम सफाया हुआ है, बर्बाद हो गए परिवार, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि इतना अत्याचार भगवान को भी नहीं अच्छा लगा, उन्होंने स्वयं अवतार लिया। तो ये आने वाला कल भुगतना पड़ेगा। आप त्रिमूर्तियां समझ लें, जान लें, समझ लें, थोड़ा पाप इतना मत कमाओ, ये बद्दुआएं होमगार्ड की मत लीजिए। हिटलर शाही दिखा दिया, हिटलर से बढ़ के आगे आप सनकी राष्ट्रपति हो गए क्या?